सब्सक्राइब करें लवकेश तंवर चैनल को एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। दोस्तों 2018 की शुरुआत हो चुकी है और साल 2018 में सबसे पहला और बड़ा मुकाबला होने वाला है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत और अक्षय कुमार की पैडमैन गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे को आमने सामने होंगी। 25 जनवरी को होने वाले इस महाटक्कर को दर्शकों से लेकर फिल्म बिजनेस से जुड़े लोगों की निगाहें टिकी हैं। दोनों ही फिल्म स्टारडम के मामले में एक जैसी ही हैं, हालांकि पद्मावत बजट और भव्यता के हिसाब से बड़ी फिल्म है। दोनों फिल्मों के जॉनर बिल्कुल अलग हैं, फिर भी दर्शक तो बढ़ते ही हैं और बढ़ सकते भी हैं। वैसे रिपब्लिक डे पर अक्षय की फिल्मों का प्रदर्शन देखते हुए लगता है कि पद्मावत को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इस टक्कर का नतीजा तो रिलीज होने के बाद ही सामने आएगा। बॉलीवुड में मेगा बजट फिल्मों के निर्माता अक्सर ऐसी तारीख चुनना चाहते हैं जिसके आसपास फिल्म रिलीज करने पर ज्यादा से ज्यादा दर्शक मिल सकें। इस लिहाज से त्योहार और राष्ट्रीय अवकाश सबसे अच्छे दिन होते हैं, मगर इनकी संख्या भी सीमित ही है। ऐसे में फिल्मों को कलेक्शन टालना मुश्किल हो जाता है। पहले 26 जनवरी के अवसर पर अक्षय कुमार, और दोस्तों पिछले कई सालों से हर साल मतलब जनवरी के आसपास, 26 जनवरी के आसपास, रिपब्लिक डे के आसपास हमेशा कोई ना कोई मूवी, अच्छी अच्छी मूवी रिलीज होती है। तो ऐसे ही 2017 के अंदर रिलीज हुई थी, तो दोस्तों ऐसे ही 25 जनवरी के आसपास मतलब कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन हमेशा हर साल नई नई मूवीज रिलीज होती हैं और हिट जाती हैं। तो ऐसे ही 2017 के अंदर रईस के साथ काबिल रिलीज हुई थी। रईस शाहरुख खान की है और काबिल ऋतिक रोशन की है। दोनों ही पिक्चरें बहुत ज्यादा हिट गई थी। वहां पर अगर बात की जाए काबिल की, तो काबिल ने 127 करोड़ का कलेक्शन किया था, वहीं रईस ने 138 करोड़ का कलेक्शन किया था। ऐसे ही 2016 में एयरलिफ्ट और क्या कूल है हम 3 आई थी। ऐसे ही 2015 में बेबी और डाली की डोली। ऐसे ही 2014 में जय हो आई थी, और ऐसे ही 2013 में रेस 2 आई थी, और ऐसे ऐसे बहुत सारी मूवीज हमेशा आती रही हैं जो कि रिपब्लिक डे के दिन रिलीज होती हैं और हमेशा हिट जाती हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि मूवी का नाम पद्मावती से पद्मावत क्यों किया गया है। तो संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावती को सेंसर ने देखने के बाद पद्मावत करने का सुझाव दिया है। पद्मावत मालिक मोहम्मद जयासी का लिखा हुआ एक महाकाव्य है, जबकि महारानी पद्मावती को राजपूत अपने शान से जोड़कर देखते हैं, और उनकी शान भी है दोस्तों। फिल्म पद्मावती का नाम पद्मावत करने का मतलब है कि यह फिल्म जयासी के महाकाव्य पर बनाई गई है, न कि राजस्थान की महारानी पद्मावत पर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसके बारे में पूरा बताया जाए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना सकूं कि रानी पद्मावती का पद्मावत से क्या रिलेशन है, ऐसे ऐसे क्या इतिहास में हुआ था, ताकि उसके बारे में आप जान सकें। दोस्तों मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। रजनीकांत की 2.0 रिलीज होने वाली थी, मगर इसकी रिलीज टाल दी गई और अक्षय कुमार अपनी पैडमैन लेकर आ गए। इधर संजय लीला भंसाली की फिल्म 2017 में 1 दिसंबर को रिलीज हो नहीं सकी, वो टाल दी गई थी। यहाँ पर बहुत सारे बातें आ रही थी सामने निकल के, इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और सेंसर के सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्हें भी एक डेट दी गई है जो कि 26 जनवरी है, और 26 जनवरी पर जाकर वो खत्म हो गई, मतलब कि 26 जनवरी को रिलीज होगी पैडमैन के साथ। आइए देखते हैं कैसी रहने वाली दोनों ही मूवीज, लोग सबसे ज्यादा कौन सी मूवी को पसंद करते हैं, क्या पद्मावत को रिलीज होना चाहिए और या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो आपने अपनी राय कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हर रोज देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।